नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। समाजसेवी श्रेणी जैन ने 35वें जन्मदिन पर लिया सेवा संकल्प। खबर जोधपुर से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा जोधपुर शहर के जिला मीडिया प्रभारी व उद्योगपति समाज सेवी श्रेणी जैन के 35वें जन्मदिन पर सेवा कार्य कर जन्मदिन मनाया। पाल रोड स्थित पाल बालाजी मंदिर मुख्य पुजारी बाबूलाल वैष्णव के सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त कर जन्मदिन की शुरुआत की। फिर जोधाड़ा वृद्धा आश्रम बुजुर्गों के साथ फल फ्रूट भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही बाल बसेरा में छोटे बच्चों के साथ उनको भोजन करवाकर जन्मदिन को आनंद से मनाया। जैन ने बताया कि सेवा कार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। साथ ही जैन ने 35वें जन्मदिन पर संकल्प लिया कि वह अगले जन्मदिन तक ऐसे 35 दिन जरूरतमंदों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के पूरे प्रयास करेंगे। इस मौके पर श्रेणी जैन, राहुल धारीवाल, राहुल मेहता, निश्चल सोलंकी, अंकित पुरोहित, हेम सिंह, मनीष मेहता, आशीष पुरोहित, चित्रांश बोहरा आदि समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस जन्मदिन को विशेष तभी मानता हूँ जब कुछ चेहरों पर मैं खुशियाँ ला सकूँ, कुछ ज़रूरतमंदों को मैं उनकी आवश्यकता अनुसार कुछ उनको मदद कर सकूँ, तभी मुझे लगता है कि जन्मदिन विशेष हो सकता है। और निश्चित तौर पर मैं संकल्प लेता हूँ, आज 35 वर्ष का मैं होने जा रहा हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि अगले साल तक ऐसे 35 दिन ऐसे ज़रूरतमंदों के साथ बिताऊँगा, उनके चेहरों पर खुशियाँ लाने के आप पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जहाँ दौलत और ताकत काम नहीं आती, वहाँ ये दुआएं काम आती है, वहाँ ये आशीर्वाद काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी ऑर्गेनाइजेशंस का, सभी संगठनों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आऊँ और बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ अपने इस जन्म दिवस को मना सकूँ। आज जोधा वजह से हम आए हैं, आज बुजुर्गों से मिले हैं, तो कैसा लगा? लेकिन निश्चित तौर पर ये एक आत्मा की शांति जैसा अनुभव होता है जब आप इनसे मिलते हैं, इनके चेहरों पर जो प्यार और जो आशीर्वाद झलकता है वो निश्चित ही अमूल्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आशीर्वाद आपको आपके जीवन के अंदर बहुत बहुत ऊँचाइयाँ देता है। युवा समाज सेवी श्रेणी जैन, जिन्होंने आज अपना जन्मदिवस बाल बसेरा सेवा संस्थान में पधारकर नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, वाकई बहुत ही ये अपने आप में अनूठा उदाहरण है कि इन अपने जन्मदिवस पर जैन साहब ने छोटे छोटे बच्चों के साथ खुशियाँ बांटी है और एक समाज को बहुत ही उम्दा मैसेज दिया उन्होंने कि हमारे परिवार में जब भी कुछ शुभ दिवस हो तो इस प्रकार के बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्होंने संस्थान में पधार कर बच्चों के साथ में केक काटा और साथ ही साथ सभी बच्चों को अपने हाथों से भोजन बच्चों को करवाया। तो मैं संस्थापक दिनेश जोशी श्रेणी जी के जन्मदिवस पर उन्हें हार्दिक बधाई है, शुभकामना प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इसी प्रकार संस्थान के साथ जुड़े रहें और भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि की।